पनीर की सब्जी सभी को पसंद होती है। आज हम यहाँ पर होटल जैसा पनीर लबाबदार बना के तैयार करेंगे। आप इसका टेक्सचर देखेंगे तो ये बिल्कुल मार्केट जैसा बन के हमारा तैयार हुआ है। हमने यहाँ पर कोई भी फूड कलर का यूज नहीं किया है। आप पूरा वीडियो जरूर से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि हमने इसमें ऐसा क्या डाला है जिससे कि इसका बिल्कुल नेचुरल कलर आया है। इसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले लेना है एक पैन। एक पैन में हम यहाँ पर 2 से 3 चम्मच ऑयल डालेंगे या तेल डालेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो जाए वैसे हम उसमें 1 चम्मच जीरा डालेंगे और 3 से 4 कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक बड़ी साइज का प्याज लिया है जिसको कि मैंने लच्छे में काट लिया है। इसको हमें ऐसे सॉटे कर लेना है। उसके बाद हम यहाँ पर 15 से 20 लहसुन की कली डालेंगे और 2 इंच के बराबर अदरक के टुकड़े डालेंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे सभी चीजों को। स्लो गैस पर हमें इसको भून लेना है। उसके बाद मैंने यहाँ पर 20 से 25 काजू लिए हैं और 1.5 टेबल स्पून या 2 चम्मच के बराबर मगजतरी लेना है, जो मेलन सीड आते हैं वो लेना है। उसके बाद हम यहाँ पर 4 टमाटर काट के डाल देंगे। टमाटर में हमें बिल्कुल भी सीड नहीं डालना है, नहीं तो ग्रेवी बहुत ही खट्टी हो जाएगी। ये सीड निकाल के हम टमाटर को ऐड करेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च जो सूखी होती है उसको ऐड किया है 2 से 3 और बीटरूट को काट के डाला है 2 बड़े चम्मच। उसके बाद स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। 2 चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे। 2 चुटकी हम हल्दी डालेंगे और सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर 1 चम्मच लाल मिर्च ली है। कश्मीरी लाल मिर्च को मैंने पानी में घोल के इसमें ऐड कर दिया है। ऐसा करने से इस ग्रेवी का कलर बहुत ही अच्छा आएगा। जैसा फूड कलर डाल के आता है वैसा आएगा। हमने जो बीटरूट डाला है और कश्मीरी खड़ी लाल मिर्च डाली है और ये कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर जो पानी में घोल के डाला है उसके कारण इसका कलर बहुत ही अच्छा आता है। सभी चीजों को हमें अच्छे से भून लेना है। भून के हम इसको ठंडा करके मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेंगे। इसमें हमें बिल्कुल भी पानी नहीं ऐड करना है। हम इसको ऐसे ही डाल के क्रश कर लेंगे या पीस लेंगे। ये देखिए ऐसा गाढ़ा पेस्ट हो जाएगा। इसको हमें छन्नी की मदद से छान लेना है। ऐसा यदि हम छान के ग्रेवी को बनाते हैं तो इसका टेक्सचर बिल्कुल होटल और रेस्टोरेंट जैसा आता है, इसलिए इसको जरूर से ऐसे छान के यूज कीजिएगा। के बाद हम इसको मिक्सर ग्राइंडर में थोड़ा सा पानी ऐड करके हम इसमें डाल के दोबारा से निकाल लेंगे ग्रेवी जो भी बची है। छन्नी में ऊपर जो भी दरदरा हिस्सा आया है उसको हम फेंकेंगे नहीं, उसको हम सब्जी बनाने में या दाल बनाने में या आप सूप बनाने में भी यूज कर सकते हैं। ये हमारी ग्रेवी रेडी है। अब एक कढ़ाई लेंगे, उसमें 2 से 3 चम्मच हम यहाँ पर घी डालेंगे, 2 तेज पत्ते डालेंगे, 1 दालचीनी डालेंगे, 3 से 4 छोटी इलायची, उसके बाद 1 चम्मच जीरा डालेंगे और कटा हुआ प्याज डालेंगे बारीक काट के। मैंने यहाँ पर एक बड़ा प्याज लिया है जिसको कि मैंने बारीक काट लिया था। खड़े मसाले जरूर से डालें। उसके बाद हम यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे दरदरा वाला और इसको भी हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। प्याज हमारा सुनहरा हो गया है। उसके बाद हम इसमें 1 चॉप्ड टोमेटो या कटा हुआ टमाटर डालेंगे। बिना सीड के ही हमें टमाटर डालना है। उसके बाद हम इसमें 1/2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और थोड़ा सा धनिया पाउडर 1 चम्मच और स्वाद के अनुसार हम नमक ऐड करेंगे। उसके बाद हमें अच्छे से भून लेना है। उसके बाद मैंने यहाँ पर 1/4 कप बारीक कटा हुआ कैप्सिकम लिया है, शिमला मिर्च, इसको ऐड कर देना है। ऐसा करने से ग्रेवी का टेक्सचर बहुत ही अच्छा आता है। अब हमने जो ग्रेवी को छान के रखा था उसको इसमें ऐड कर देना है। उसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं।
ग्रेवी हमारी अभी बहुत गाढ़ी है, इसके बाद हम इसमें 1 कप गुनगुना पानी ऐड कर देंगे या गरम पानी ऐड कर देंगे। पानी को गरम करके ही ऐड करें ग्रेवी में, तो उसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा रहेगा और मेंटेन रहेगा। इसके बाद हम ग्रेवी को थोड़ा सा अच्छे से उबलने देंगे। इसके बाद हम इसमें 1 चम्मच या 1 TSP शक्कर ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच केचप लिया है, नॉर्मल जो टोमेटो केचप होता है। केचप और शक्कर ऐड करने से ग्रेवी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब ये साइड में हम इसको उबलने रख देंगे ग्रेवी को। जब तक उबलती है तब तक हम यहाँ पर एक पैन में बटर ऐड किया है मैंने 2 चम्मच, और बटर जल ना जाए इसलिए हम इसमें 1/2 चम्मच के बराबर तेल ऐड करेंगे। और 300 से 350 ग्राम मैंने यहाँ पर पनीर के क्यूब लिए हैं। इसमें हम 2 चुटकी हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, थोड़ा सा हम लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, और सभी चीजों को हमें ऐसे मिक्स करते हुए पनीर को थोड़ा सौते कर लेना है। पनीर को पहले चम्मच की मदद से हमें नहीं पलटना है, नहीं तो क्या होगा कि पनीर टूट जाएगा। पनीर सॉफ्ट होता है, इसको हमें ऐसे हिलाते हुए मिक्स कर लेना है सभी चीजों को। उसके बाद हम इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड करेंगे और इसको हम ऐसे ही उछालते हुए अच्छे से भून लेंगे पनीर को, हमें ज़्यादा सुनहरा नहीं करना है। उसके बाद हम इसमें ग्रेवी में भी कसूरी मेथी को ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच, और 1/2 चम्मच मैंने यहाँ पर गरम मसाला लिया है, और थोड़ा सा हम यहाँ पर किचन किंग का मसाला ऐड करेंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से ग्रेवी में मिक्स करके बॉईल आने देंगे। उसके बाद हम इसमें भुना हुआ पनीर ऐड कर देंगे। पनीर में मैंने नमक नहीं ऐड किया है क्योंकि मैंने बटर सॉल्टेड यूज़ किया था। आपको यदि कम लगे तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर दीजिए। अब इसमें हम 2 से 3 चम्मच घर की जो मलाई होती है वही ऐड करेंगे। मलाई की क्वांटिटी भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद मैंने यहाँ पर 2 क्यूब पनीर के साइड में रखे थे, जिसको कि अब हम ऊपर से ग्रेट करके डालेंगे। ऐसा करने से पनीर की ग्रेवी का टेक्सचर बहुत ही अच्छा आएगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। सभी चीजों को हम दोबारा से मिक्स कर लेते हैं। जब हमने ग्रेवी को छाना था, छानने के बाद हम उसको फ्रीजर में स्टोर भी कर सकते हैं। उसके बाद हम उसको जब यूज करना चाहें तब आप यूज कर लीजिए, या आप 1 दिन के लिए रखना चाहते हैं तो नॉर्मल फ्रिज में भी रख सकते हैं। ऐसे ग्रेवी को स्टोर करा जाता है। उसके बाद मैंने यहाँ पर 1/2 चम्मच के बराबर बटर ऐड किया है। बटर ऐड करने से ग्रेवी का टेक्सचर एकदम क्रीमी और शाइनी हो जाएगा, इसलिए बटर ऐड करिएगा। पनीर लबाबदार को मैंने यहाँ पर आटा नान के साथ सर्व किया है। नान जो मैंने बनाई है वो आटे से बनाई है। इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ आगे जरूर से शेयर करूँगी। आपको ये रेसिपी कैसी लगी ये ज़रूर से बताइएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी ही नई नई रेसिपी देखने के लिए हमारे नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिए, जिससे कि रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग।